हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक शरबत की रेसिपी। यह गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा फल है जो डायबिटीज़ में बहुत ही गुणकारी है। अमृत के समान है ये फल। वैसे तो ये फल ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन आज मैं इसका शरबत बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है जामुन, यानी कि जामुन का शरबत। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना जामुन का शरबत बनाना। जामुन के शरबत के लिए मैंने ये 400 ग्राम जामुन लिया है। अभी मैं इसकी गुठली निकाल दूंगी और 2 चम्मच चीनी, ये मेरा होममेड चाट मसाला है, 1 ग्लास पानी और कुछ आइस क्यूब्स। सबसे पहले हम इसकी गुठली निकालेंगे। गुठली आप इसको चाकू से काट के भी निकाल सकते हैं या हाथों से इसको मैश करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुठली निकाल लेते हैं। चाकू लें और इस तरह से इसकी गुठली को निकाल लें, या आप इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। सभी को मैं ऐसे निकाल लूंगी। जिनको डायबिटीज है वो शुगर ना डालें इसके अंदर, वो ऐसे ही जामुन भी खा सकते हैं। अगर उनका शरबत बनाने का मन है तो बिना चीनी के ही बनाएं उस शरबत को। सभी को मैं इस तरह से निकाल लूंगी, बीज को साइड कर दूंगी। जामुन की गुठली मैंने निकाल ली है। अब मैं इसको जार के अंदर डालूंगी और ब्लेंड करूंगी सभी चीजें डालकर। सबसे पहले हम जामुन डालेंगे जिसकी हमने गुठली निकाल ली है। 1 चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच चीनी, कुछ आइस क्यूब डालूंगी मैं उसके अंदर और 1/2 ग्लास पानी। अब सब चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे। जामुन का शरबत मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इनको ग्लास के अंदर डालूंगी। तो तैयार है मेरा जामुन का शरबत और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।